तो क्या हुआ एशियन गेम्स में? आई नो यू बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ये बताने के लिए मैं हूं ना. लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द एंड. हाउ डिड इट एंड? फाइनल मेडल टैली क्या था और इसको लेके इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट. आइए काउंटर लगाइए. इन द 2014 एडिशन इंडिया वन 57 मेडल्स जिसमें थे 11 गोल्ड. In 2018, India won 70 medals, जिसमें थे 16 gold. And this was a record tally for India. But this time, the improvement was even more than expected. India won 107 medals, जिसमें से थे 28 gold medal. Well, we finished fourth on the points table. पर इस तरीके से अगर improvement रहा, तो अगली बार top 3 को breach कर सकते हैं. और उसकी अगली बार, क्या पता, सीधा चोटी पर. But today is about the Asian Games gone, not about the ones that will come. So, आइए उनको celebrate करते हैं. How did it all begin? Who got the first gold medal? पहले gold medal पे निशाना लगाया shooting team ने. Men's 10 meter rifle shooting team event में दिव्यांश सिंह पनवर, रुद्रांश पाटिल एंड ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का क्यूमुलेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर था 1893.7 पॉइंट्स. और इसके साथ इनको मिला गोल्ड मेडल, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट एट द गेम्स. उसके बाद गोल्ड मेडल की लाइन में लगी हमारी क्रिकेट टीम. स्मृति मंदाना एंड तिता साधु वर द सुपरस्टार्स विद बैट एंड बॉल रिस्पेक्टिवली. तो 10 दिन में इंडिया ने श्रीलंका को दो फाइनल्स में हराया. लड़कों ने एशिया कप फाइनल में और लड़कियों ने एशियन गेम्स फाइनल में. कुछ अचीवमेंट्स पहली बार होते हैं और कुछ अचीवमेंट्स इतने समय बाद होते हैं कि पहली बार की ही खुशी देते हैं. जैसे कि इक्वेस्ट्रियन में, जहां पर लास्ट हमने मेडल जीता था 40 साल पहले. अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल छेड़ा, सुदीप्ति हजेला एंड दिव्यकृति सिंह, इनकी टीम ने अपने फेलो हॉर्सेस के साथ बढ़िया प्रदर्शन देते हुए इंडिया को गोल्ड जिताया. वेल दे से दैट स्पोर्ट इज अबाउट द एग्जुबरेंस ऑफ यूथ, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द एक्सपीरियंस ऑफ एज. देखिए पुरानी कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, और हमारे ओल्ड ने गोल्ड दिला ही दिया. रोहन बोपन्ना won the mixed doubles gold with his partner रुतुजा भोसले. और अब आते हैं एथलेटिक्स पे. भाई ट्रैक एंड फील्ड के फील्ड पे इतने मेडल आ रहे थे, इट वाज डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक. 29 मेडल्स इन एथलेटिक्स. इंडिया वाज रनिंग अवे ऑन द पॉइंट्स टैली, लिटरली एंड फिगरेटिवली, बिकॉज रनिंग में, सिर्फ रनिंग में हमारे मेडल्स वर इन डबल डिजिट्स. जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता. नहीं मतलब क्यों, वाई आर वी वेस्टिंग पीपल्स टाइम? मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, इफ नीरज चोपड़ा इज टेकिंग पार्ट तो वही गोल्ड जीतेगा. नहीं, बाकी नाम तो सेकंड से लिखना शुरू करो. आई डोंट लाइक इट, दिस पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम. तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ऑफ कोर्स एज पर यूजुअल. इतना सोना तो बप्पी लहरी के पास भी नहीं है. किशोर जेना ने नीरज को अच्छा कंपटीशन दिया, बट फिनिश जस्ट बिहाइंड एंड वन द सिल्वर मेडल. उसी के साथ अनु रानी ने विमेन्स जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता. तो मेंस कंपाउंड आर्चरी में इंडिया ने बाकी देशों को बोला थैंक यू फॉर कमिंग, क्योंकि था ऑल इंडिया फाइनल. ओजस प्रवीण दियोतले ने अपने ही सीनियर अभिषेक वर्मा को फाइनल्स में हराकर गोल्ड जीता. और सुबह सुबह उठ के मैंने हॉकी टीम और क्रिकेट टीम को चीयर किया, एंड इट वॉज वेल वर्थ इट बिकॉज इंडिया बीट डिफेंडिंग चैंपियंस जापान 5-1. And double fist pump because by winning the gold medal in the Asian Games, India also secured their berth for Paris Olympics. तो अब हॉकी टीम पेरिस जाएगी तो मुझे भी अपना शेंगेन वीजा लगा लेना चाहिए, बिकॉज मैं भी पेरिस जाऊँगा. आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड ना. अरे ये वीडियो बनाने के बाद आप क्वालिफाइड नो. और क्रिकेट के फाइनल में ऋतुराज गायकवाड़ अपनी यंग टीम को लेकर उतरे मैदान में, और एशियन गेम्स में भी वही हुआ जो एशिया कप में हो रहा था. द फाइनल वॉज अ वॉश आउट, बट इंडिया वन द गोल्ड मेडल बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड रीजन दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. व्हाट वॉज इट, T20 रैंकिंग? ओके, T20 रैंकिंग. आई गेस इट्स स्टिल बेटर देन विनिंग बाय टोटल काउंट ऑफ बाउंड्रीज. Well, if you like this one and want more explainers like this of other sporting events except cricket, then please like, subscribe, share, and send me money orders. Last one, Lani. That's it.